हेलो फ्रेंड्स, लव लाइक गार्डन में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और कैसा चल रहा है आपका गार्डन? गार्डन में आप देख सकते हैं बहुत ही सारे फ्लावर्स खिले हैं और अब है विंटर फ्लावर प्लांट्स का टाइम, तो देख ही सकते हैं इनकी तो बात ही निराली हो गई है। ये देखिए, विंटर में गजानिया फूलों से भरा है, बहुत खूबसूरत, क्योंकि इन्हीं का अब टाइम है। और जैसे कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा तो इनका टाइम आ चुका है। और समर प्लांट अब थोड़ा सा डल हो गए हैं फ्रेंड्स। फ्लावर तो है पर उतनी क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है और बहुत ही नाजुक है, छूते ही गिर जा रहे हैं क्योंकि इनका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो चुका है। तो इनका टाइम आ चुका है। ये है विंटर प्लांट और आज मेरा जो वीडियो है वो भी मेरी नर्सरी शॉपिंग की ही है। ये देखिए, मैंने नर्सरी से जो प्लांट्स लिए हैं उन्हीं की आज आपको मैं शॉपिंग दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा गड़बड़ भी है इन प्लांट्स में, क्या है वो मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, इतने प्लांट मैंने अभी परचेज़ किए हैं और ये मेरी फ़र्स्ट शॉपिंग है नर्सरी। मैं नहीं जा पाई अभी इधर और इसलिए क्योंकि सीडलिंग वगैरह करने में थोड़ा बिज़ी रही हूँ और फेस्टिवल्स भी थे, तो अब मैं नर्सरी गई और मैं ये प्लांट्स लाई। तो सबसे पहले तो दिखाती हूँ आपको कि कौन कौन से प्लांट हैं, उनके नाम बताऊँगी और प्राइस बताऊँगी कि क्या प्राइस में मिले। फ्रेंड, ज़्यादातर प्लांट हमें 20 की रेंज में अभी मिल रहे हैं और अगर आप ज़्यादा प्लांट लेते हैं तो 50 के 3 मिल जाते हैं, लेकिन बहुत छोटे हैं अगर तो, वरना 20 के ही सभी प्लांट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है मैरी गोल्ड और ये काफ़ी सुंदर सा अलग सा कलर है। और हमेशा आप प्लांट्स की ये लीफ वगैरह, येलो लीफ या वीड्स वगैरह हटा दें, जो भी प्लांट आप लाएँ इससे फंगस वगैरह नहीं लगती है आपके प्लांट्स में। तो ये देखिए, एक गेंदे का प्लांट है ये मैरी गोल्ड, बहुत सुंदर कलर है, काफ़ी बड़े साइज़ का फ्लावर है इसमें। दूसरा प्लांट है ये वर्बीना। फ्रेंड्स, ये देखिए, एक रेड शेड में लिया था मैंने, पिंक और रेड के, और एक ये लाने में मेरा टूट गया, तो इस बार प्लांट बहुत से ऐसा हो गया। देखिए, ये मैरी गोल्ड का जो प्लांट है इसको, और यहाँ पर ये जो है हमारे कैलेंडुला, बहुत ही प्यारा, ये देखिए गुलसर्फी के नाम से भी आप जानते होंगे, सभी में ये देखिए बर्ड्स हैं, फ्लावर आ रहे हैं। और हमें हमेशा ऐसे ही प्लांट लेने चाहिए जिनमें फ्लावर ना खिला हो, जिससे कि आपके गार्डन में आके इनके फ्लावरिंग हो। और ये तीनों प्लांट मैंने इमीडिएटली इनको मैंने रिपोर्ट किया क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब सी हो रही थी रात में, ऊपर से बारिश हो गई। फ्रेंड्स, बारिश के कारण ये बिल्कुल भीग गए रात में, बहुत ख़राब हालत लग रही थी। तो कल रात में ही मैंने इनको रिपोर्ट कर दिया, तभी ये डल डल से लग रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग का थोड़ा सा तो शौक होता है प्लांट्स में, और साथ ही साथ हमें तुरंत रिपोर्टिंग करनी भी नहीं चाहिए, लाकर हमें अपने घर में इनको अपने वेदर में ढलना चाहिए, मतलब अपने घर के एटमॉस्फेयर में ढलना चाहिए, फिर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। लेकिन मुझे इमरजेंसी में इन तीनों की करनी पड़ी, तो इनकी इसीलिए आप देख रहे हैं थोड़ा सा डल डल से हैं प्लांट, लेकिन ये ठीक हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया प्लांट है हमारे। और इसके बाद मैं दिखा रही हूँ साल्विया, बहुत ही प्यारा प्लांट है और देख रहे हैं नई नई इनकी पिंचिंग की गई है और इनमें न्यू शूट्स भी आ रहे हैं, काफ़ी हेल्दी सा प्लांट है, बुशी है। तो हमेशा हमको इस तरह के प्लांट देखने चाहिए। नीचे से देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इस वीडियो में प्लांट दिखाने के साथ साथ आपको ये भी दिखा रही हूँ कि इनकी केयर आप कैसे करिए, लाते समय क्या ध्यान रखिए प्लांट्स में। तो ये देखिए, सड़ी गली पत्तियाँ आपको हटा देनी चाहिए, जिससे कि बारिश भी हो रही है, फंगस ना लगे प्लांट्स में। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि इनमें देखिए कई ब्रांचेज हैं, ये बहुत अच्छा बात है, प्लांट्स हमारा काफ़ी मजबूत है। ये तो साल्विया का रेड कलर में ये प्लांट मैंने लिया है, ये भी मुझे 20 का मिला है और ये भी 20 का है फ्रेंड्स। इसके बाद पिटूनिया, कौन भूल सकता है, विंटर में पिटूनिया तो रानी है और सभी के पास ज़रूर होता है पिटूनिया। कई कलर में, बहुत ज़्यादा सिंगल पेटल डबल पेटल में आते हैं, डबल पेटल में फ्रेंड्स अभी नहीं दिखे मुझे और सिंगल में ही थे, तो मैं लाई हूँ इसका ये पर्पल कलर, बहुत ही खूबसूरत है। तो पिटूनिया भी 20 का ही मिला है और यहाँ पर वर्बीना भी मुझे 20 के मिले थे, ये दोनों मुझे उन्होंने 30 के लगा दिए थे क्योंकि बहुत छोटा प्लांट था। और लेकिन ये टूट गया, अभी मैं इसका शेड दिखाऊंगी, ये रेड में था और उसकी कटिंग मैंने लगा दी थी, तो वो ग्रो हो जाएगी। यहाँ पर ये है हमारा हॉली हॉक, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है फ्रेंड्स हॉली हॉक का, आप भी लगाइए, इसके बहुत खूबसूरत से फ्लावर होते हैं हॉली हॉक में। तो ये हॉली हॉक का एक प्लांट है और ये भी 20 का ही है फ्रेंड्स। और यहाँ ये सारे कैलेंडुला के प्लांट भी मुझे 20 के ही मिले हैं और ये भी सभी लगभग 20 के ही हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही प्यारे हैं। और विंटर के ये सारे ही प्लांट बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, लगाने के बाद मैं क्योंकि मैंने कल रात में लगाया तो रात हो गई थी, तो ये आप देख रहे हैं जो सड़े गले पत्ते हैं इनको आप ज़रूर रिमूव कर दीजिए, इससे क्या होगा प्लांट हमारा जल्दी ग्रोथ करेगा, साथ ही साथ उसको अगर कोई भी तरह की फंगस लग रही है, जो पत्ते इस तरह से मिट्टी में टच कर रहे हैं, ये देखिए ब्लैक है, इनको अगर आप रखेंगे प्लांट पर तो इनसे हमारे प्लांट में फंगस लगती है और प्लांट गल सड़कर ख़राब हो जाते हैं। तो ये केयर आप ज़रूर कर लीजिए, जब
आप रिपोर्ट करिए तो इनकी ये देख लीजिए कि सड़ी गली पत्तियाँ ना हो इनमें। और इस तरह से देखिए मैं हटा रही हूँ इसकी ये ख़राब पत्तियाँ जितनी भी है, सावधानी से हटाइए जिससे कि दूसरी स्टेम या पत्ती आपकी ना कटे। और ये देख रहे हैं आप अंदर ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, यही चीज़ के कारण मैंने इसको रात में ही रिपोर्ट किया क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी हालत ख़राब सी लग रही थी क्योंकि बारिश में ये भीगा और भीगने के कारण ये ख़राब हो गया था। लेकिन अभी मैंने इसको ठीक कर लिया है और रिपोर्ट करने के बाद आप यही केयर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आपको दिखाने का कारण मैंने ये रिमूव नहीं की थी पत्तियाँ। और आप अगर किसी भी प्लांट में पीली पत्तियाँ या सड़ी गली पत्तियाँ आप देखते हो तो आप उसको जरूर रिमूव कर लीजिए। इस तरह से आप देखिए इतनी सारी पत्तियाँ मैंने निकाली हैं और यही केयर इनमें भी करेंगी। वीडियो के बाद मैं कर लूँगी, कोई भी आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत ही प्यारे प्लांट हैं तो आप भी जरूर लाइए, विंटर के सारे प्लांट बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत टाइम तक ये फ्लावरिंग करते हैं। और चलिए मैं दिखाती हूँ इसकी जो स्टेम टूट गई वो किस कलर का प्लांट है मेरा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये देखिए, और मैंने लाकर इनमें सीडलिंग जिसमें मैंने की उसी ट्रे में इसको लगा दिया है और अच्छे से यहाँ सीडलिंग भी हमारी चल रही है। और बारिश का पानी इसमें डायरेक्ट पड़ा है तो सीडलिंग कुछ ख़राब सी लग रही है, लेकिन अगर धूप निकलेगी तो ये ठीक भी हो जाएंगी। और ये देखिए ये रेड कलर का अभी खिला था लेकिन कटिंग लगाने के बाद ये मुरझा गया है, रेड कलर का ये फ्लावर थे। सो फ्रेंड्स आपने देखा तो वर्बीना के दो कलर मैंने ऐड किए हैं और एक पिंक में है शेड में और एक रेड। तो इतने प्लांट मैंने अभी लगा लिए हैं और यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये मेरा प्लांट लाने में टूट गया, जैसे वर्बीना और ये दो प्लांट्स मेरे डैमेज हुए। तो इनमें हमें क्या करना है, इनको हमें पहले तो मैं इसको डोरी से इस तरह बांध दूँगी, इसको आप बांध दीजिए जिससे कि ये अच्छा रहेगा। और ये जितने भी स्प्लिन फ्लावर आप देख रहे हैं इनको हटा दीजिए। स्टेम्प आप इसकी देख रहे हैं कि कितना झुक रही है, अगर हम इन प्लांट को सॉरी फ्लावर्स को हटा देंगे तो ये जल्दी ग्रोथ करेगा और इतना ज़्यादा इसमें जो बर्डन सा है फ्लावर्स के कारण भारी हो रहा है वो सही हो जाएगा और प्लांट हमारा जल्दी हेल्दी हो जाएगा, ग्रोथ करेगा। तो यहाँ पर मैं इसके सारे फ्लावर हटा रही हूँ और इसके बाद ये आप जल्दी देखिएगा कि ये ज़्यादा हेल्दी आपको दिखेगा। तो इस तरह से, और इसको अभी मैं डोरी से बांध दूँगी और ये फिर ठीक हो जाएगा प्लांट। तो फ्रेंड्स इतने प्लांट मैंने लिए हैं और बारिश ने थोड़ा गड़बड़ किया। अगर आप विंटर प्लांट लगा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं या लाकर रख रहे हैं तो उनको ओपन में मत रखिए। बारिश हो रही है तो ये ख्याल रखिए कि डायरेक्ट इन पे रेन वाटर ना गिरे जिसकी ख़राब ना हो। सो बाय बाय फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की शॉपिंग और थोड़े से केयर टिप्स भी आपको बताए हैं जिससे कि आपके विंटर प्लांट ख़राब ना हो। ये थोड़े से नाजुक भी होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं और कम टाइम के लिए हमारे पास रहते हैं, एनुअल प्लांट भी कहते हैं इसीलिए इनको। सो बाय बाय फ्रेंड्स, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहिए, मस्त रहिए और प्यारे प्यारे प्लांट्स लगाते रहिए। बाय बाय।